मैं सुबेदार वी टी नायर, रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी आरेवा ऑल इंडिया। यह मेरा ओपन वीडियो संदेश हमारे वर्तमान डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान सर के लिए है। सर, आप 2018 मई में 5th माउंटेन डिवीजन से DGR बनकर आए थे और लगभग दो बार आपने एक्सटेंशन के रिक्वेस्ट करके 3 साल 1 महीने के बाद आप पेंशन जा रहे हैं, यानी चंद दिनों के बाद। आपसे पहले यानी 31 साल पहले 3 साल से ज़्यादा टेन्योर पूरा करने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल पी मेनन सर का नाम आता है, जिसका टेन्योर 30 नवंबर 1983 से लेके 31 मई 1987 यानी कि इसी महीने 1987 में वो रिटायर गए थे। उसके वक्त भी उन्होंने काफ़ी भूल की थी। असम राइफल्स, जिसको आर्मी की सुविधाएं मिलती थी 3rd सेंट्रल पे कमीशन तक, उनके ही टेन्योर में 4th सेंट्रल पे कमीशन ने असम राइफल्स को CPO में डाला था और वह कुछ नहीं कर पाए थे। इसलिए असम राइफल का जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो यात्रा है वह उसी उनके टेन्योर से शुरू होता है। और आप जो हैं राजरीफ से आते हैं, आप यदि इतिहास सही ढंग से पढ़ा है तो मालूम होना चाहिए असम राजरीफ जो है ब्रिटिश इंडियन फोर्स में 1921 में इनको जो है दाखिल दिया गया था। और असम राइफल्स इससे 5 साल पहले 1917 में राइफल्स की पदवी दी थी, यानी कि इससे पहले। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में राजरीफ के साथ ही असम राइफल्स यूरोपियन सेक्टर और बर्मा सेक्टर मिडिल ईस्ट में जो है कार्रवाई की थी। कई सारे अवार्ड्स मिले थे इनको। और उस वक्त के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, कमांडेंट जो हुआ करते थे गोरखा राइफल्स के, उन्होंने असम राइफल्स के जवानों की गौरवशाली का जो बयान अपने कई DO लेटर में किए हैं, जो कि यह एक रिकॉर्ड है। लेकिन यह सब होते हुए आपने असम राइफल्स की इतिहास जो है केवल 1962 से ही आगे पढ़ा है। यह जो है आपने सरकार को और कोर्ट को जो कन्विंस किया है, वो जो मिनट्स जो निकाले थे जिसमें आपने स्टेटस को का रिकमेंड किया था और सरकार ने मान लिया था, उस मिनट्स में दाखिल किया गया है। और इसके जो रिजाइंडर हमने ठीक ढंग से दे रखा है, शायद आशा है कि आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। और इतने जो है इसके बाद इतने गौरवशाली इतिहास होने के बाद भी असम राइफल्स को जो है आपने केवल प्रीमियर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स डूइंग पोलिस ड्यूटी अंडर MHA की पदवी दी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 46 बटालियन में केवल 9 ही बटालियन बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी करती है। और आपने MHA के ऑफिशियल्स को खुश करने के लिए, जो असम राइफल्स को कहते हैं नॉट डेडिकेटेड BG फोर्स, असम राइफल्स को बॉर्डर एरिया में अपने पोस्ट करने को कहा विदाउट एनी प्रॉपर एकोमोडेशन, यह सूचना मुझे मिली है। और आपने जब सर्विस के दरमियान पहला जो एक्सरिसमेंट रैली आपके ही नेटिव प्लेस महेंद्रगढ़ में किया, जहाँ की आपने शायद असम राइफल्स के इतिहास में पहली बार जो सर्विंग पर्सन हरियाणा से आते थे उनको बाई ऑर्डर वहाँ पर बुलाया DGR से लेटर इशू करवा के। और आपको मालूम होना चाहिए कि जवानों के पोस्टों में या यूनिट में संख्या कम होती है तो उनको छुट्टी जाना जरूर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी तो पेंशन भी रोक दिया गया है, ऐसे हालत में आपने जो है पूरे हरियाणा वालों को ही वहाँ बुलाया। और उस रैली में सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन और सर्विंग पर्सन के लगभग आधी आधी 50-50% थे। और सिविक बॉडीज जो थे वहाँ पे, पुलिस और SDM, उनके पूरे परिवार सभी को बुला के लगभग 1000 लोगों को आपने खाना खिलाया असम राइफल्स के पैसे से। और लगता था कि ये एक पॉलिटिकल रैली है, मुझे लोगों ने बताया। उसके बाद सेकंड जो रैली था वो भी उसके नज़दीक जयपुर में आपने किया। जयपुर में भी यही हालत था, लेकिन हमारे एसोसिएशन के आदमी जो है सर्विंग पर्सन को रैली में दाखिल नहीं होने दिया, रेलवे स्टेशन में ही उनको रोक दिया गया था। और आपने वहाँ के रैली में आए हुए लोगों को बताया कि आप लोगों को मैंने ECHS सुविधा दी है, यह मेरा अचीवमेंट है। यह जो है गलत था, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे हमारे आरेवा राजस्थान यूनिट के सेक्रेटरी हवलदार हरफूल सिंह मौजूद थे। उन्होंने खड़ा होकर कहा कि सर यह जो है एसोसिएशन और सुबेदार नायर का दिया हुआ है। तो आप नाराज़ होकर जो उसको कहा कौन से ट्रेड से आते हैं, वो साइफर का था, उनका नाम नंबर नोट करवाया आपने। यानी कि एक सफ़ेद झूठ आपने वहाँ उस रैली में बताया, जबकि ECHS के लिए मैं खुद इसका जिम्मेवार हूँ। मेरा 6 साल का जो समय है इसमें गुजरा है केरला हाई कोर्ट के सिंगल डिवीजन बेंच के अलावा, जो सुप्रीम कोर्ट में SLP वगैरह दिया था। और फरवरी 2019 को जो है इसकी सैंक्शन हुआ है।
और वह जो आपको मैंने लेटर भी दिया था पूरे यूनिटों को, मैं क्योंकि मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से इसके बारे में एक लेटर मिला था, लेकिन आपने केवल मुझे रिप्लाई ही नहीं दिया बल्कि उसको नज़रअंदाज कर दिया, और यह जो क्रेडिट है आपने अपने ऊपर ले लिया। और जो दिल्ली में जो रैली हुआ था, जो हर मार्च को हर सालाना करते हैं, वहाँ पे भी आपने अपना राजरिफ के जो 250-300 लोगों को बिठाकर खाना खिलाया, लेकिन असम राइफल्स के लोगों को इनवाइट नहीं किया, जो कि एनसीआर यूनिट और अगल बगल उत्तराखंड में कई लोग हैं हमारे असम राइफल के, वहाँ भी आपने असम राइफल्स की जो है सेवा नहीं की। और इसके अलावा आपने लाखों रुपया खर्च करके असम राइफल का जो फंड है, फंड से जो है आपने LED जो है में एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगवाया वहाँ पे महिला सैनिक इधर उधर करके, और स्पेशली जो आपके जो सेंटर है राजरिफ के उसके गेट में जो है काफ़ी अच्छे से आपने सजाया है। यह जो है एक्चुअल में आप अपने इमेज ऊपर करने के लिए किया था, हमारे वेलफेयर से कोई संबंध नहीं था, वो भी AR के पैसे से। और ड्यूल कमांड को ले लूँ तो ड्यूल कमांड जो है यह बिल्कुल जाना चाहिए, आपको पता है, क्योंकि आपके जो जब आए थे आप यहाँ पे, हमने कई मीटिंग करके गवर्नमेंट को कन्विंस कर दिया था कि ड्यूल कमांड हटना चाहिए, कोर्ट भी कन्विंस हो गए थे, कई ऑर्डर इशू किए गए थे कोर्ट ने जल्दी एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपके आने के बाद जो है आपने गलत ढंग से सरकार को बताया कि असम राइफल पुलिस है, पुलिस ड्यूटी है, इसका स्टेटस को रहना चाहिए, आर्मी का यहाँ रहना जरूरी है, ऐसा करके एक डिसीजन लिया स्टेटस को का, और जो है कोर्ट को बताया, और हमने उसका रिजॉइंडर में शायद आपने पढ़ा होगा उसमें जो हमने इसका विरोध किया है, जो वास्तविकता हमने लिखा है इसके ऊपर। और जो है इसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन जो आपने दिए हैं को सरकार को या कोर्ट को, यह जल्दी ही उजागर हो जाएगा। 20 जुलाई को इसका अगला हियरिंग है। और जो AR को ITBP में मर्ज करने की जब बात चली थी 2 साल पहले, तो आप घबरा गए थे, आपने हमारे पैटर्न इन चीफ जनरल कार्नी को फ़ोन करके कहा था 3 जून 2019 में कि आप जो अपना एसोसिएशन का इन्फ्लुएंस लगा के इसको कैंसिल करने की कोशिश कीजिए। आपने मुझे भी AR कैडर ऑफिसर के थ्रू कॉन्टेक्ट किया था इसमें कुछ करने के लिए, और हमने प्राइम मिनिस्टर से लेके सेक्रेटरी लेवल तक के अफसरों को चिट्ठी लिखी थी यह नहीं होना चाहिए, और आपने जो है गलत ढंग से सरकार को इन्फॉर्मेशन दिया है। इसमें केवल आर्मी ऑफिसर जो असम राइफल्स में हैं उनका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आर्मी के साथ यदि असम राइफल मर्ज हो जाता है तो उनका जो अलग सा जो बेनिफिट है वो सब ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, यानी कि आप जो है असम राइफल्स का DG बनते हुए AR की वेलफेयर न देखते हुए आपने अपना और आर्मी ऑफिसर की वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचा है। यह जो है हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट का जो डिसीजन हमारे ऊपर होगा सत्यमेव जयते। और सर्विंग पर्सन के बारे में ले लें तो आपने जो है आपके टेन्योर में कंट्रोवर्शियल ऑर्डर काफ़ी निकाले, एक तो सीनेटी के बारे में निकाला था पर से AR कैडर ऑफिसर और आर्मी के ऊपर, जबकि आप भी एक स्टेक होल्डर है, लीगली जो है डिसीजन आप नहीं ले सकते, लेकिन आपने लेटर इशू किया, कंट्रोवर्सी बना, AR कैडर ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर के बीच में तनाव बढ़ा है, डिवाइड हो गया है, और यह जो है इसके बारे में कोर्ट में केस चल रहा है। और आपने CAPF तो बताया असम राइफल्स को, लेकिन CAPF को मिलने वाली सुविधा भी AR जवानों को देने में असमर्थ रहा। CAPF का भी आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स है। और आपने जैसे जो ऑफिसर के लिए जो CAPF में मिलता है फिनेंशियल अपग्रेडेशन, उसके लिए भी कुछ नहीं किया। इसके लिए हमारे कमांडेंट जो प्रेसिडेंट हैं यादव सर, वह जो कोर्ट में केस डाल रखा है, और यह मैटर जो अभी कोर्ट में है। और मैंने देखा है एक DO लेटर व्हाट्सएप में आपने एडजुटेंट जनरल को दे रखा है, एक DO लेटर AR की वेलफेयर के इशू में नहीं है, लेकिन आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको असम राइफल में वैकेंसीज हैं, रिजर्वेशन हैं, यह कहते हुए उनको प्रोत्साहन करो असम राइफल में आके भर्ती होने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसे DO लेटर AR के सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन के वेलफेयर के लिए कितने लिखे हैं, मैं जो है देखना चाहता हूँ। और हमारे जवान जो है या चाहते हैं कि आप ऐसा यदि कोई DO लेटर लिखा हो तो जो है हमें बताएं। यह जो है करप्शन की अगर बात लेते हैं तो करप्शन का भी काफ़ी प्रभाव हुआ है, काफ़ी बात सुनने को मिली है DGR के आपके टेन्योर में। पहले बात तो जो है मैं जलेश कुमार जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट था वहाँ पे ग्रीवेंस सेल में, उसके रिपोर्ट मुझे कई नेपाल इंडिया के कई जवानों से रिटायर्ड पर्सन से मुझे कंप्लेन मिला था कि वो पैसा मांगता है कोई भी चीज़ ठीक करने के लिए। मैंने जनरल कार्निक सर के कहते हुए मैंने इंक्वायरी किया था सभी, मुझे काफ़ी प्रूफ मिला था, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कौन सा अकाउंट में पैसा जाता है,
यह सब रखते हुए मैंने आपको बताया था एक्शन ना लेने पर जो है मैं सीबीआई शिलोंग को भी एक कंप्लेंट लॉड्ज किया, लेकिन आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। वह जो ऑफिसर, वो जो ऑफिस सिविल स्टाफ है जलेश, उसको प्रमोशन दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, वो अभी हाल तक भी ग्रीवेंस सेल में था, अभी 2-3 महीने ही हुआ है उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यह बहुत ही निराशाजनक है। और आपके अगेंस्ट में भी एक सीनियर एयर कैडर ऑफिसर ने आरोप लगाया था करोड़ों रुपये का करप्शन का, आपको भी लेटर दिया था, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो भी है सरकार में उनको भी दिया था। ये हैरत की बात है, यदि आप क्लीन होते, शुद्ध होते, सिंसियर होते, तो आपने क्या करना था कि होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखकर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठा के यदि वो ऑफिसर गलत पाया गया तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करनी थी। इसकी बशर्ते आपने क्या किया, उस ऑफिसर को हरास किया, उसको हरास किया। वो जो है जब उसका जान का खतरा था तो वो सोशल मीडिया में आया, उनका मैसेज जो है वीडियो डाला, और यह जो इतना बढ़ गया कि नेशनल जो मीडिया है उसमें भी आया। और हैरत की बात तो ये है कि हमारे सरकार यानी कि MHA ने उस पर शायद कोई ध्यान नहीं दिया। और एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे भी बहुत दुख होता है, जब NDA सरकार आया था नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनके, तो उन्होंने कहा था कि हम करप्शन मुक्त करेंगे भारत को, और एक फौजी मैन इन यूनिफॉर्म में ऐसा करप्शन का जो एलिगेशन चलता है, सरकार चुप रहे, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। इतना होते हुए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं सर, आप जो है आपका जो 5 दिन के बाद 31 मई को आप जब रिटायर होंगे आप अच्छे से रहिए, लेकिन हमारे एक आंख आपके ऊपर ज़रूर होगा, क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो एजेंडा लेकर आपने जो 3 साल 1 महीने का टेनर पूरा किया है, इसका क्या कोई फ़ायदा तो आप नहीं उठा रहे हैं, तो यह जो है नज़र आपके ऊपर होगा। और इतना कहते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा नया DG है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप सिंह नायर, जो 18 सिख रेजिमेंट से आते हैं, वह चार्ज लेंगे 1 जून को। उनका अनुभव रहा है असम राइफल्स में, यह उनका तीसरा पोस्टिंग है एज ए DGR। पहले वो जूनियर ऑफिसर बन के आए थे, उसके बाद IG बन के 2-3 साल पहले यहाँ से गए हैं। और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सर आपके टेन्योर में आप जो है इस मोटो को ज़रूर ध्यान से रखिएगा, जिसमें आपके ऑफिसर के लिए गाइडेंस दिया गया है, जो लिखा गया है IMA देहरादून में, द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, द ऑनर वेलफेयर एंड द कम्फर्ट ऑफ द मैन यू कमांड कम नेक्स्ट, एंड योर ओन ईज कम्फर्ट एंड सेफ्टी कम लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। जय हिंद, जय आसाम राइफल्स, जय आरेवा इंडिया। थैंक यू सर।